हेलो दोस्तों, मैं हूं गरिमा। स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल गरिमाज यमी फूड रेसिपीज़ पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूं, और ये रेसिपी एकदम हलवाई के स्टाइल में है, मतलब हलवाई की सीक्रेट रेसिपी है जो हलवाई बनाते हैं, और ये है भंडारे वाले पकौड़ों की रेसिपी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, खूब सारा तेल है और ढेर सारे पकौड़े निकाले जा रहे हैं, तो आज मैं आपको इन्हीं पकौड़ों की रेसिपी देने वाली हूँ। और ये सीक्रेट रेसिपी मुझे खुद ये जो हलवाई भैया हैं इन्होंने दी है, और रिसेंटली हमारे घर में भंडारा हुआ था तो मैंने इस पूरे पकौड़ों की रेसिपी आप लोग के लिए शूट करी थी कि आप लोग को दूंगी भंडारे वाले पकौड़ों की रेसिपी। और सर्दियों में अक्सर पकौड़ियों का भंडारा होता रहता है, तो हमारे भी घर में हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आप लोग के साथ शूट करूँगी। तो बस चलिए फटाफट से रेसिपी वीडियो शुरू कर लेते हैं, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फटाफट से आ जाते हैं इस तरफ, जहाँ पर कि दाल भिगोई जा रही है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े भगोने में दाल भिगाई जा रही है। तो कौन सी दाल है ये मैं बता देती हूँ। ये है मोठ की दाल, जिसे कि लोबिया की दाल भी बोलते हैं, और राजस्थान में बोलते हैं मोठ की दाल, लोबिया की दाल, या फिर सफ़ेद दाल जो बाजरा खिचड़ी में जो दाल पड़ती है, ये वही दाल है। और इस दाल के साथ थोड़ी सी उड़द की दाल और थोड़ी सी हरी मूंग की दाल भी भिगोई गई थी। और यहाँ पर हरी मिर्च काटी जा रही है, थोड़ी तीखी वाली, थोड़ी मोटी वाली, अदरक भी काटे जा रहे हैं। साथ ही ये मसाले हैं जो पकौड़ी में डालने के लिए रखे हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। और जब दाल भीग गए हैं तो इन्हें पानी से अच्छी तरह से छान दिया गया है। और इस दाल में मैं वापस से बता दूं कि थोड़ी सी धुली उड़द की दाल है और थोड़ी सी पीली मूंग की दाल है। तो जैसे अगर एक कप आप मोठ की दाल लेंगे तो एक एक टेबल स्पून आपको उड़द की दाल और पीली मूंग की दाल भी लेनी होगी। तो यही रेशियो था इस दाल के पकौड़े का। और पानी में भिगोने के बाद अच्छे से पानी से छान लें। उसके बाद ये दाल पीस कर आई थी चक्की पर से, तो अगर आप घर में पीस रहे हैं तो आप मिक्सी में पीस लें। और इसी दाल के साथ अदरक और हरी मिर्च भी पीस कर आएगी। तो यहाँ पर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, तो ये जो दिख रहा है दाल का पेस्ट, ये चक्की पर से पीस कर आ चुका है। तो यहाँ पर दाल जो है बड़े से कढ़ाही में निकाली जा रही है, और इसमें डाली जा रही है कसूरी मेथी। साथ ही जो नीचे दिख रही है वो है पीसी धनिया का पाउडर। तो पीसी धनिया और कसूरी मेथी अभी डाली गई है, साथ ही अजवाइन डाली गई है, और कसूरी मेथी का भी एक पैकेट खोला गया है। अजवाइन भी नीचे डाली जा चुकी है, जो कि मैं अभी आप लोग को दिखा नहीं पाई थी। तो कसूरी मेथी का पैकेट अभी आप देख रहे हैं कि हलवाई भी ये डाल रहे हैं। तो इस तरह से बारी बारी जो भी मसाले वो डालेंगे उन सब के नाम मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर अभी जो है अजवाइन, पीसी धनिया और कसूरी मेथी डाली जा चुकी है, और इसके बाद से वो खोल रहे हैं खाने वाला सोडा, मानी कि मीठा सोडा। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर रहे हैं, जिससे पकौड़ियाँ खस्ता बनती हैं, तो हलवाई ज़रूर सोडा ऐड करते हैं। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं खूब सारा रिफाइंड तेल उन्होंने डाला था, जो कि मैं अभी थोड़ा सा मिस हो गई थी शूट करने से, ये वीडियो क्लिप नहीं बन पाया था। तो यहाँ पर तेल डालने के बाद ये डाल रहे हैं कुटी हुई काली मिर्च। तो काली मिर्च को कूट कर डाला है, जिससे पकौड़ों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था। तो हम लोग क्या करते हैं, पकौड़ों के घोल में तेल नहीं ऐड करते हैं, पर यहाँ पर उन्होंने तेल भी ऐड किया। और अब डाला है कुटी हुई धनिया और कुटी हुई सौंफ। सौंफ और धनिया को उन्होंने मिक्सी में चला लिया था, और इसमें डाला है जो कि दरदरा कूटा हुआ था सौंफ और धनिया। इसे हमें एकदम बारीक पीस कर नहीं डालना है, हम लोग घर में बनाते हैं तो इमामदस्ते में कूट कर डाल लेते हैं। और इसके बाद से ऑब्वियस है, जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट वाइट, तो ये नमक है, नमक डाल रहे हैं। और खूब सारे दाल के पकौड़े बने हैं तो नमक भी ज़्यादा ही पड़ेगी, हम जब बनाएंगे घर में तो नमक अपने हिसाब से डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी करके। और राजस्थान में जब दाल के बड़े बनाए जाते हैं, दाल के पकौड़े बनाए जाते हैं, तो उसमें कुटी हुई धनिया और कुटे हुए सौंफ के बीच एकदम जरूरी होते हैं, मतलब डालना ही डालना होता है, बिना उनके पकौड़ों का टेस्ट नहीं आता। तो आप ये दो चीज़ें बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, कुटी हुई धनिया और कुटे हुए सौंफ जरूर डालिएगा। तो दाल जो है अभी ऊपर से भी थोड़ी और डाली जा रही है, जिससे मसाले में अच्छे से मिक्स की जा सके। और दाल के साथ ही हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें चक्की से पिस कर आ गई थी। तो जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो हरी मिर्च है, और अदरक भी है साथ में, जिस वजह से दाल का कलर थोड़ा सा चेंज लग रहा है। और अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भैया डाल रहे हैं खूब सारी लाल मिर्च का पाउडर। तो लाल मिर्च का पाउडर भी ज़रूरी होता है पकौड़ों को स्पाइसी और टेस्टी बनाने के लिए। तो लाल मिर्च का पाउडर भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा भी आपको तीखा पसंद हो। और अभी लाल मिर्च पाउडर के बाद यहाँ पर डाला जा रहा है बेसन। तो जैसे अगर आप एक कप दाल लेते हैं तो उसमें जो है लगभग 1/4 कप बेसन का डालें। मैंने उनसे बेसन डालने का रीज़न पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि जो पकौड़ों का बैटर होता है वो तेल में फिर कम ख़राब होता है, मतलब बैटर एकदम स्मूथ होता है, तो पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी से सॉफ्ट सॉफ्ट निकल कर आती हैं, ऊपर से क्रंची होती हैं और अंदर से सॉफ्ट होती हैं। तो बेसन डालने का यही रीज़न होता है कि जो तेल में दाल के जो कट छूटते हैं वो छूटते ही नहीं हैं बेसन की वजह से, उनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है पकौड़ों की। तो यहाँ पर अभी आप दो तीन देख रहे हैं कि दो तीन लोग मिलकर पकौड़ों का घोल जो है तैयार कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इसको। और बहुत ज़्यादा दाल का घोल है तो काफ़ी मेहनत भी की गई है, और बेसन के ऊपर से जो है पानी डाली जा रही है, जिससे कि मिक्सर का घोल, मतलब पकौड़ों का जो घोल है वो एकदम
मतलब सॉफ्ट रहे, और बहुत ही गीला घोल बनाया था। हम लोग क्या करते हैं कि पकौड़ों को घोल कड़क बनाते हैं, पर उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि जो हलवाई होते हैं वो पकौड़ों का घोल एकदम सॉफ्ट बनाते हैं, जितना मतलब पतला बना सकते हैं, जैसे कि उन्हें तेल में झाड़ने में आसानी हो। तो अभी आप देख रहे हैं कि हाथों से दो लोग मिलकर पकौड़ों का घोल तैयार कर रहे हैं, अच्छे से मिला रहे हैं इसको, और बीच बीच में जो मेन हलवा भैया थे वो पानी भी डालते जा रहे थे इसमें। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि दाल का पूरा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है और इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, दाल का घोल मिलाते जाते हैं, उसे शिफ्ट करते जाते हैं दूसरे बर्तन में, जिससे कि अगर कहीं कोई चीज़ छूट गई हो मिक्स होने से तो वो मिक्स हो जाए। और बीच बीच में आप देख रहे हैं कि अच्छे से खूब अच्छे से पानी डाला जा रहा है, कि बेसन जो है, बेसन के बाद जो है पानी डालना ज़रूरी होता है। उन्होंने बताया कि दाल जो है पानी सोखता है और बेसन भी हो जाता है, डाल देते हैं तो पानी जो है, पानी डालने से पकौड़ों का घोल काफ़ी अच्छा निकल कर आता है, बहुत ही सॉफ्ट पकौड़े निकल कर आते हैं, टेस्टी पकौड़े निकल कर आते हैं। तो बस यहाँ पर अब पकौड़े को तलने की तैयारी हो रही है, और आप देख रहे हैं कि बड़ी सी झरी में खूब सारा घोल डालकर और एक बार में ही हाथों से झाड़ दिया गया है, तो खूब सारे पकौड़े एक बार में ही तेल में आ गए हैं। और घर में हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा हाथ से जो है पकौड़े निकालते हैं, और यहाँ पर एक झरी थी बड़ी सी, उसमें थोड़े गोल गोल छेद थे जिनसे कि पकौड़े निकाले गए थे, और पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे भंडारे के, बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े, जो कि 4 से 5 दिनों तक भी एकदम क्रिस्पी बने रहे। कुछ पकौड़े बचे रह गए थे तो मैंने बाद में उन्हें देखा कि काफ़ी क्रिस्पी थे पकौड़े, और बहुत ही अच्छे पकौड़े, स्वादिष्ट। वैसे भी भंडारे का जो प्रसाद होता है वो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, और राजस्थान में पोष वड़ा काफ़ी फेमस है, तो ये पोष वड़ा के वड़ा प्रसाद आप लोग भी ग्रहण कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी आपसे नए नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।